हैप्पी करवा चौथ फ्रेंड्स, सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। पड़ोसी देखेगा तो बोलेगा ये क्या हो रहा है, इससे तो हम नूडल को पानी छानते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। सुबह के बज गए 8 और हम लोग उठ गए हैं। आज है संडे, देखिए गाड़ियाँ वैसी की वैसी खड़ी, सभी लोग आराम कर रहे हैं। संडे को आराम का डे होता क्योंकि पूरा वीक तो सभी काम करते हैं। मैं भी आज थोड़ा लेट उठी, मैंने कहा अरमान सो रहा है तो मैं भी सो जाऊं। अभी मैंने बच्चों के लिए बना दिए चाय दूध, अरमान का दूध गर्म हो रहा है और हमारी चाय भी बन गई है। इसमें डाल देते हैं दूध। अरमान को देते हैं दूध। तीनों बैठे हैं, उठकर देखिए सुबह सुबह पहले टीवी देखेंगे तीनों बैठकर। और मैं उतारती हूँ कपड़े, अरमान को देकर दूध। ये दूध ना हम लोग गर्म करके रखते हैं और बस इसको माइक्रोवेव में करके फिर मैं दे देती हूँ अरमान को। चल ठीक है अरमान, आप दिखाओ आपने आज सुरमा डाला। अरमान कहता मेरे सुरमा डालो मामा। मैं हो रही थी रेडी और ये मेरे पास ही रहता, जितनी देर मैं रेडी होती हूँ ना उतनी देर अरमान कहता बस मामा मैंने इधर ही रहना है। अवलीन ले जा बेटा इसको, मैं आ गई, बस 5 मिनट और। अभी हम लोग चलेंगे गुरुद्वारा साहिब, आज किसी का अखंड पाठ साहिब है। हाँ बेटा ये उसको, और उन्होंने हमको बुलाया है तो फिर हम लोग जा रहे हैं वहां पर। और आज एक चीज और फ्रेंड्स, करवा चौथ है ना, तो आप मैं अभी रेडी हो रही हूँ। मैंने कहा मैं भी सिंगार कर लूं, सभी बहनें आज रेडी होंगी। हाँ अरमान मैं रेडी हो गई हूँ और अवलीन इधर रेडी हो रही है। अवलीन दिखाना, हाँ नहीं बेटा नहीं, चीज बनाओ, चीज के साथ बनाओ बेटा, उसमें ग्रिलर में। ओके ओके, अलीजा बना रही है अरमान के लिए ब्रेड। इधर अवलीन क्या कर रहे हैं? आई एम मेकिंग माय हेयर रिपीट स्कूल। क्या बना रहे हो? पोनी, इतनी ऊंची पोनी बनाती है ना मम्मा, कहती है अवलीन कैसे बनाती। मैंने कहा मैं तो नहीं बनाती, अवलीन ही बनाती है। इसके बाल इतने हैवी है, मैं नहीं बना सकती, मेरे तो हाथ दर्द करने लगते हैं। मैं चोटी बना देती हूँ पर ये खुद ही बनाती है वीकेंड में बस। वैसे तो मैं चोटी बनाती हूँ इसकी। तेल मैंने अच्छे से लगा दिया इसके बालों में, है अवलीन। हाँ। चोटी बनाओगे? हो गई? बना लो बस, मेरा रह गया मस्कारा और फिर रह गए इयररिंग्स वो पहनकर। उसके बाद चलते हैं। ये एस्टी लाउडर का मस्कारा, एस्टी लाउडर बहुत अच्छा है, ऐसे भी नहीं लगता कि मस्कारा लगाया, हल्का बहुत और बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हो गई? कहती आज मैंने तो करनी करनी है मामा, क्योंकि मैंने कल भी नहीं की। कल नहीं की? चलो मेकअप लगा लेते हैं, मेकअप फिक्सर और बस फिर पहनती हूँ मैं चूड़ियाँ।
तो हाथों से सुखा लेती हूँ ऐसे। हेमलिन मेरे इयररिंग्स ला दो बेटा, गोल्ड वाले ला दो बेटा बनके। बस हो गई रेडी, मेकअप हो गया, सिंपल ही है, ज्यादा नहीं हैवी किया, बस हो गया, सूख गया। और भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी चूड़ियाँ, कि मैंने चूड़ियाँ निकाल के रखी थी। अवलिन देना बेटा, मैंने कहा सूट के साथ की चूड़ियाँ डालते हैं, आज है करवा चौथ तो मैं भी चूड़ियाँ डाल लेती हूँ। ये वाली, हाँ आज करवा चौथ है बेटा, तो इसलिए पोनी कर दी। देखो, और मैंने ज्यादा नहीं डाली, मैंने कहा मेरे पास तो और ढेर सारी चूड़ियाँ हैं, तो मैंने कहा नहीं इतनी ज्यादा नहीं, कभी नहीं पहनी ना, मैंने भी तो थोड़ी सी तो डाल सकते। मैंने भी अपने रेनबो चूड़ियाँ काट कर रखी हैं, मैं भी पहनती, कभी नहीं पहनी, बहुत टाइम हो गया। भी पहनी है, कभी शादी वगैरह हो ना तभी पहनती हूँ, मैं ऐसे नहीं पहनती। तो चल मैंने कहा आज हम भी चूड़ियाँ डालते है ना, दोनों हाथों में डाल लेते थोड़ी थोड़ी, इतना टाइम नहीं मेरे पास, एक एक करके डालू, जल्दी से डालूंगी बस। और फिर चलते हैं, ऐसे हो गई, कोई बात नहीं, पीछे जाएंगे कड़े तो, अभी वो मैं नहीं उतारूंगी कड़े। हाँ बेटा, हमारे पास केक भी बचा है तो हम बना भी सकते हैं करवा चौथ। करवा चौथ के दिन कुछ खाते नहीं बेटा। मैं तो मनाएंगे, हम खाना बनाएंगे, एक हाथ की होगी, दूसरे हाथ की भी डाल देती हूँ फिर दिखाती। तो अभी लास्ट रह गई है एक हाथ की, मैंने कहा वो भी डाल दूं, हो गई ना, देखिए। मेरे को अजीब सा लग रहा है, इतने दिनों बाद पहनी है ना, देखिए अच्छा लग रहा है ना, कलर सूट के साथ मैच कर रहा है। सूट भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पहले इयररिंग्स डाल दूं। इयररिंग्स मैं बोल रही हूँ, लिंक को लेके आई मैंने गोल्ड वाले इयररिंग्स, वो पहननी आज। तो अभी मैं डालती हूँ पायल, मैंने कहा पायल भी डाल दो, कुछ रह ना जाए आज, है अवलीन, कुछ रह ना जाए बेटा। दिखा ना मम्मा को कैसे लग रही है। अभी दूसरे पैर में डालते हैं। मेरे पास ना ये वाले इयररिंग्स हैं, देखिए एक ये वाले हैं और एक ये वाले हैं, एक ये वाले हैं, और जो पहले दिखाए थे उनके साथ मेरे पास एक लॉकेट भी है, देखिए। ये सेट जड़ाऊ में है, पर मैं अभी सोचती हूँ क्या पहनूं, यही पहन लेती हूँ छोटे वाले ना। हल्के के हल्के, और देखिए ये तो आपने देखे ही है जो मम्मा ने दिए थे, तो मैं ये वाले पहनती और फिर दिखाती हूँ आपको कौन सा सूट पहना आज। पहले मैं देखूं कैसे लग रही है। हाँ ठीक है, बस ये है मेरा आज का मेकअप, और ये है मेरी फाइनल लुक, ग्रीन कलर का सूट विद पिंक सलवार और पिंक जुत्ती। हाँ सारा पिंक नहीं हो गया, पिंक की चूड़ियाँ हो गई। और ये वाला सूट मेरे को आंटी ने दिया था पाकिस्तान से, मैंने कहा आज ये पहनते हैं नया सूट, करवा चौथ है। और ये है मेरी फाइनल लुक, सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। आज तो सभी रेडी होंगी, सभी व्रत रखेंगी, तो मैंने कहा मैं भी रेडी हो जाती हूँ। और ये है मेरी करवा चौथ लुक, चूड़ियाँ, और अभी अवलीन आ गई है, मैंने भी रेनबो चूड़ियाँ पाई है इंडिया से, देखो मेरा बहुत अच्छे लग रहे हैं। अलीजा आप भी आ जाओ, ये है हमारी प्रिंसेस अलीजा। ओ वाह, आपने भी चूड़े वाली चूड़ियां पहनी है ना, बहुत प्यारी लग रही है बेटा। कल इसने नेल भी बनाए अपने, एक हाथ के, और इधर देखना
इसने सोचा आज मम्मा ज्यादा ही जोर लगा रही है तो मैं भी सुरमा डालू। अरमान दिखाना, या वेरी गुड। चलो चले चले बाबा जी के पास, चलो फिर घर पर आके सेलिब्रेट करेंगे करवा चौथ। ये लगा दूं बाबा जी का? नहीं, वहां पर जाकर लगा लो। एक पापा जी। हाँ बाबा जी लगा लो, केस की ला लो, पता आ जा दूसरी साइड मुंह कर इधर। हाँ वाई गुरु, मैं भी लूंगी, मैं भी लूंगी वाई गुरु। वाई गुरु मेरे को पता। चलो चले फ्रेंड्स। आज हमको पार्किंग नहीं मिली, हमने दूसरी स्ट्रीट में पार्किंग की है। देखिए यहाँ पर ना कपड़ों की दुकानें हैं, वेस्टर्न ड्रेस है, देखिए लोग शादी में ऐसे पहनते हैं। वाह नेट की है ना, कितनी प्यारी है। नीचे जूते हैं और सेट है, तैयार है ना, देखना। हाँ आ जाओ, यहाँ पर है जेंट्स के। अरमान आपके लिए कोट पैंट देखो, वाह कितना प्यारा। पापा के लिए, अरमान के लिए, वाह। हाँ वाह चलो चले। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है ना। अलीजा केवलीन की आती नहीं, वो बड़ी हो गई है ना। कितनी प्यारी ड्रेस, आउटफिट देखो अरमान के लिए। आज वो नहीं है करवा चौथ। अच्छा आपको शेरवानी ले दे करवा चौथ पर, आज चले चलो चलो। वाह आज वैसे भी लड्डू थे गुरुद्वारा साहिब में, तो मेरे पास वो भी है। आ जाओ बेटा, आ जाओ आज। शाम के बज गए 4:30 और हम लोग आ गए घर पर। आज हमको लड्डू मिले शादी के ना, इनविटेशन आया था तो मैंने कहा लड्डू के साथ चाय पीते हैं। और अभी मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, सोचती हूँ थोड़ा सा पनीर पड़ा है, शिमला मिर्च पड़ी तो कढ़ाई पनीर बनाती हूँ, तो पहले चाय पी लूँ उसके बाद बनाऊंगी कढ़ाई पनीर। बच्चों के लिए बनाई है नूडल, कहते मम्मा मैगी खानी है, लीजा कहती, तो मैंने कहा वो बना देती हूँ। अवलीन को मैंने बाहर भेजा, मैंने कहा परमान के साथ बाहर जाओ, मैं जल्दी से भी खाना बना दूं, क्योंकि हम लोग तो गुरुद्वारा साहिब में खा लेते हैं, साहब भी बच्चे नहीं खाते,
वो घर पर आकर ही खाते हैं, वहां पर बस थोड़ा सा ही खाते हैं। चलो करवा चौथ का सेलिब्रेशन तो बनता है ना, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, अच्छा खाना बना लेंगे। और अभी मैं बनाती हूँ खाना करवा चौथ। तो फ्रेंड्स अभी मैं नहीं रखती, पहले रखती थी, उसके बाद मैंने वो कर दिया था उसका, फिर बाद में कभी नहीं रखा, पर शौक है ना, मैंने कहा चलो रेडी होते हैं, चूड़ियां पहनते हैं, आज तो इंडिया में खूब रौनक होगी ना, बहुत ज्यादा मनाते हैं, तो बनाएंगे खाना और खाएं पिएंगे हम भी, त्योहार मना लेते, हर त्योहार मनाते हैं यहाँ पर, अच्छा लगता है बच्चों के साथ। वैसे तो हम कहीं आते जाते नहीं, इसी बहाने से सेलिब्रेशन हो जाता है, अलीजा को भी पता चलता है कि आज क्या है, तो मैंने कहा चलो आज मनाते हैं करवा चौथ। बस चाय पी के जल्दी से मैं सब्जी बनाती हूँ, और मान आ गया उसको भूख लगी होगी, आज उसने कुछ नहीं खाया, ये लोग नूडल खा लेंगे पर अरमान नहीं खाता, अरमान बोलेगा मैंने रोटी खानी है, आदत है। तो मैंने साहब को बोला था, मैंने कहा मटर पनीर बना दूं, कहते नहीं मैंने नहीं खाना, तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं कढ़ाई पनीर बना देती हूँ, सिंपल तड़का लगा दूंगी, बस उसमें शिमला मिर्च और प्याज डाल देंगे, अगर अलग से थोड़ा सा पका कर ना, बस वो ही बनाती हूँ जल्दी से। जब मैं व्रत रखती थी तब बोलते थे नहीं रखना, मेरे को बोला बोला नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा पानी सुखाना है, कहते नहीं सुखाना, कहते ऐसे ही खाएंगे, हम पानी के साथ खाते हैं मम्मा, थोड़ी होती है बच्चा, मम्मा तो पानी नहीं डालती, इस अब एंड में हम सबको पानी डालेंगे, ठीक है। व्हाट अरमान भी खाएगा? सोनामी पहले खा तो लो, ऐसे सोनामी थोड़ी ना वाटर, मुझे सबसे वाटर, मुझे वाटर। अरमान को छोटी सी कॉली में डाल दो, ठीक है आप लोग, ये कढ़ाई मेरे को दो, सब्जी बना लो, आपकी नूडल्स भी कर रहा होगी बेटा, रेडी आ जाओ, आपका प्रोजेक्ट बन गया, ओ वाव बहुत अच्छा बनाया। अभी हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर, उसके लिए डालेंगे घी, और अभी हम डाल देंगे उसमें सारे मसाले, जीरा, तेज पत्ता, अभी हम डालेंगे लौंग, दालचीनी, अभी हम डाल देंगे कूटकर गार्लिक, एक चम्मच डाल देंगे जिंजर का, अच्छे से भूनेंगे, भूनकर अभी डाल देंगे अनियन, हम मैंने प्याजों को ना ऐसे काटा बड़े बड़े टुकड़ों में, और मैंने शिमला मिर्च भी निकाल ली, अभी हम इनको रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा बटर डाल लेते और प्याजों को, दोनों को रोस्ट करके ना हाई फ्लेम पर, दो प्याजा, प्याजा नहीं बस सब्जी है, क्योंकि पनीर थोड़ा कम था ना, तो मैंने कहा इसमें मिक्स कर देते हैं ऐसे भी, शाही पनीर खा खा मैं थक गई हूँ, अब इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करते हैं, इधर हमारे प्याज भुन रहे हैं अच्छे से, बनाता नहीं पड़ेगा ठाकुर, वो लग गया, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, दैट्स नाइस, वेरी गुड, आई एम द, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, हाय, धुआं सा अलार्म बजे, नोट नोट नोट, वेरी गुड, रोस्टेड हमारी शिमला मिर्च और अन्य रोस्ट हो गए, हम देखिए कितनी अच्छी, अभी हम पनीर को करते हैं तड़का बनाकर भी उसमें डालेंगे, वो तो सब्जियां थोड़ी कर रही ना, कुछ नहीं तो थोड़ा जो रखना ही है, नौ तो बना कर सड़ दूंगा थोड़ी देर, अभी मैंने लिया टोमेटो
इनको ग्राइंड कर रही, मोटा मोटा और इसमें डाल रही। बहुत जोर लग गया। मेरे को देना, मैं कर दूँ। नहीं हो गया, देखती अभी मैं डाल देती हूँ। देखे मजाक करते। अभी मैं डाल दूंगी नमक तड़के में। अभी तड़के में मैंने कुछ नहीं डाला, टमाटर प्याज ही भूनूंगा। गोरा जा रहा है, देख के इधर कहीं बोलता है, पता नहीं क्या बन रहा है। बंद करो गेट। एक साइड से पनीर हो गया, अभी दूसरी साइड करते हैं। खाएंगे मर्जी, थोड़ी सा भी नहीं खाएंगे पनीर ना। तो बादल हवा बुरा हाल है। हमारे टमाटर प्याज भुन गए और अभी हम डाल देंगे मसाले। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला आधा छोटा चम्मच। और अभी हम इसको अच्छे से पकाते हैं। और मैं डालूंगी रेड कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। देखिए कश्मीरी लाल मिर्च, देगी मिर्च। नहीं अभी तो लेके आई हूँ, इतनी जल्दी कहाँ से। दो चम्मच पानी डालते हैं इसमें। मामा, 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 थोड़ा। हाँ ब्रोकली। अभी हम डाल देंगे दो चम्मच दही, थोड़ी सी क्रीमी बन जाए। इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। और अभी मैं बाद में डालूंगी इसमें, हलाते रहना दही डालकर ना। बटर डाल दूंगी थोड़ा सा, ग्रेवी बनाते हैं इसके अच्छे से हलाकर। अच्छे से तेल छोड़ दे हमारा मसाला, उसके बाद फिर हम डालेंगे पनीर। अभी हम ढक्कन उतारते हैं। देखिए यहाँ पर तेल आ गया ना, तो अभी हम इसमें डालेंगे जो मैंने शिमला मिर्च को किया था ना रोस्ट, वो डाल देंगे और पनीर डाल देंगे। ये है हमारा पनीर। अभी हम इसको धीरे धीरे हिलाएंगे। पहले मैं इसके ऊपर डाल दूंगी हरा धनिया। और अभी हम इसको धीरे धीरे हिलाएंगे, दो तीन मिनट पकाएंगे, पांच मिनट पका लेंगे धीमी आंच पर, और हमारी सब्जी रेडी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, थोड़ी देर पकाते हैं। हमारा कढ़ाई पनीर हो गया रेडी फ्रेंड्स। देखिए कितना डिलीशियस बना ना। अभी मैं बनाती हूँ फुलके और खाना हो गया रेडी हमारा। आई होप साहब को पसंद आएगा। रोटी खा लो पुत्तर, कहते नूडल खाई है, अगर टेस्ट करनी तो कर लो। मम्मा ने सब्जी बनाई है पनीर की। आज मलीजा की पढ़ाई है ना, वो कम ही नीचे आती। मेरे को नहीं लगता बच्चे खाएंगे, मैं और साहब बस एक एक फुलका ही खाएंगे। त्योहार का दिन था तो मैंने कहा चलो कुछ मीठा बना लेते हैं। उधर देखना माँ बेटा नमक लेकर आए साहब, वहां ना दुकान है गुरुद्वारा साहिब के पास, वहां पर ना नमक मिल गया इनको तीखे वाला तेज वाला। फरमान कहता मैंने भरना है, ये कहते मैंने भरना है। बहुत अच्छा। चलो रोटी भी होगी रेडी, रख देते हैं। खतरा धुआं तो हम नहीं मैं कुछ नहीं। साहब के लिए थाली रेडी हो गई है।
ले लो आपकी थाली। थैंक यू। किधर मेरा बेटा रोटी बनाने लगा, मैंने कहा पापा को थाली बना कर दे दूं, खुद रोटी पका लें दे। पहले बाइट आपकी ना, इतनी बड़ी आपने वर्त रखी। ये है मेरी थाली, मैंने भी पनीर लिया, सब्जी लिया पनीर की, और दही लिया बस थोड़ी सी। मैं भी खा लूं साहब के साथ, बच्चे तो खाते नहीं। बिल्कुल अलग टेस्ट है, बहुत ही ज्यादा स्वाद है। आप दही की जगह क्रीम डाल सकते हो और बाद में बटर। अरमान खा लो, आजो आप भी खाओ बैठ के रोटी, आजो खा लो। नहीं बस इधर रखो, थैंक यू, ये पापा का चीज है। थैंक यू बेटा। हाँ अरमान खाएगा, खाना पीना हो गया, तो अभी मैंने जो कपड़े लपेटे थे वैसे ही पड़े हैं, मैंने कहा पहले इनको समेटती हूँ, फिर दूसरे आ जाएंगे बाहर से ना, अंदर रख देंगे, और कल सुबह मैं उठ के फिर उनको भी लपेटूंगी सभी को। बाहर ना इतनी ज्यादा अंधेरी आ गई है, देखना क्या हाल हो गया। मैंने साफ किया था, पत्ते ही पत्ते हो गए हैं यहाँ पर। कपड़े मैंने जल्दी से वहाँ छत के नीचे रख दिए, आज तूफान आएगा कहते, बहुत तेज हवा चल रही है। देखिए सामने पेड़ कितने हिल रहे हैं ना, अभी बहुत ज़्यादा थी, अब थोड़ी सी कम हो गई है। क्या वो करती उसके बाद करूँगी रेस्ट। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। इंस्टाग्राम पर भी आइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। Bye bye. Hey guys, subscribe.